नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। SECL चिरमिरी क्षेत्र की NCPH कोयला खदान की और 6 खदान जो पिछले दिनों आग लगने के कारण बंद कर दी गई थी, जिसे पहले की तरह चालू करने के लिए प्रबंधक ने सभी औपचारिकता पूर्ण कर रीओपनिंग करने जा रही है, जो दिनांक 18/12/2018 को होने जा रहा है, जिसके लिए प्रबंधक ने सभी संबंधित विभाग को इसकी जानकारी से अवगत करा दिया है, ताकि और 6 खदान को पहले की तरह यथावत चालू किया जा सके। जिसके लिए प्रबंधक ने सभी कामगारों से अपेक्षा की है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सुरक्षित ढंग से उत्पादन कार्य करें। जिसके लिए प्रबंधक ने रेस्क्यू टीम को, मेडिकल टीम को भी माइंस में उपलब्ध रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था कराई है, ताकि रीओपनिंग पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। जिसके लिए सभी श्रमिक संघ के पदाधिकारियों, सेफ्टी बोर्ड मेंबर, सुरक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, ताकि सभी की राय सुनकर जो खामियां है उसे भी दूर किया जा सके। जिसके लिए प्रबंधक ने अपनी ओर से सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, चिरमिरी।